मैं बिहार के लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने मत का प्रयोग करें और एक बदलाव के लिए अपना मतदान दें। 15 साल तक इसी सरकार ने नौजवानों को बेरोजगार रखा, किसान को बदहाल किया, मजदूरों से मुंह फेरने का काम किया, एक कारखाना नहीं लगा, पलायन नहीं रुका, गरीबी नहीं मिटी, भुखमरी नहीं मिटी, बल्कि शिक्षा चिकित्सा सब चौपट हो गया। इसलिए जो लोग मत का प्रयोग करें वो मुद्दे पर ही प्रयोग करें, और बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा आज का बेरोजगारी का है, और मैं कहूँगा कि बदलाव के लिए ज़रूर वोट देने का काम करें। 15 साल में आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी जिस प्रकार की बयानबाजी अभी कर रहे हैं, हालांकि जो भी कहे मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, हमारे लिए तो आशीर्वाद के बराबर है, लेकिन नीतीश जी ने चाहे बाढ़ हो, चमकी बुखार हो, चाहे कोरोना काल हो, महामारी हो, जिस प्रकार से जनता के लिए सेवा करना चाहिए था, आगे सबसे लीड करना चाहिए था, वहीं देखा गया कि नीतीश कुमार जी ने मुंह मोड़ने का काम किया। तो हमें पूरा विश्वास है, खासतौर पे करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अपने वर्तमान को देखते हुए और भविष्य के सुनहरा भविष्य को देखने के लिए आप लोग जो है मत का प्रयोग ये वक्त का आपको ही बहुत लंबे दिनों से इंतजार होगा, क्योंकि मेहनत तो आप भी बहुत कर रहे हैं, बारह करें। बारह तेरह तेरह रैलियां कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि आप जो आपकी जो मेहनत है, जो आप इतनी कर रहे हैं, वो सफल होंगे? एक उधर भी एक देखिए, मजबूत बिल्कुल बिल्कुल सफल होंगे, क्योंकि जनता के साथ हम खड़े हैं, और ये लड़ाई सरकार बनाम जनता है, और जनता की जीत होना तय है, और हम इस लड़ाई में जनता के साथ खड़े हैं। आज मेरा कार्यक्रम लगभग 15 जगह है, 15 जगह हमको जाना है, प्रचार करना है, लेकिन जो फर्स्ट फेज में जो हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, जिसकी आज वोटिंग हो रही है, होने जा रही है, उसमें हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सब लोग जात और धर्म से ऊपर हट करके मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, और लोगों में, खासतौर पे नौजवानों में बड़ी उत्साह है। 71 जगह आज जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें वोट हो रही है, तो आप कितने जगह लड़ाई में हैं और सामने वाले को कितना? देखिए, हम कंफर्टेबली मेजॉरिटी में आ रहे हैं, और फर्स्ट फेज एकदम शानदार होने वाला है, और फर्स्ट फेज के आगाज से जो सेकेंड थर्ड फेज जो है, उसका पूरी तरीके से माहौल बन चुका है। महागठबंधन का सरकार बनना तय है, एनडीए का विदाई तय है। एक अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।